हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं जब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी मैं हूँ फ़िलहाल नागौद में। आया था कुछ काम से, और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे दाढ़ी भी है बड़ी बड़ी, और बाल भी हेयर कट कराने लायक है। तो चलिए किसी दुकान पे चल के जो है तो हेयर कटिंग प्लस शेविंग कराते हैं, और भी इस ब्लॉग में आपको नागौर की और चीज़ें दिखाते हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। सो दोस्तों, अभी मैं हूँ पन्ना रोड में, और रोड के किनारे एक बहुत ही अच्छा तालाब है जिसके चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा है, जो कि आप देख सकते हैं। तालाब के बीचों बीच एक बैठने की भी जगह है, ये बीचों बीच नहीं है, थोड़ा सा अंदर चल के है। और उधर जो है तो काफ़ी सारी भैंस तालाब में जो तो नहा रही हैं, और चारों तरफ तालाब का पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे लगे हैं। तो गाइज, अभी मैं चला गया था समोसे खाने, एक ठेले पे मैंने समोसे खाए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इधर समोसे कितने रुपए में मिलते हैं। हमारे इधर अभी के समय में 15 रुपए में 2 समोसे हैं। तो चलिए, मैंने समोसे खा लिए। मैं हूँ अभी फ़िलहाल नागौद के बस स्टैंड में, उधर एक दुकान है, तो चलिए हेयर कट व शेविंग करा लेते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। ये है नागौद मार्केट के आसपास का नज़ारा। वैसे भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, आज शनिवार है, आज के दिन मार्केट बंद रहता है, फिर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर देखिए कितने सारे पक्षी। अभी मैं पेड़ों के पास चलकर और दिखाता हूँ। तो गाइज, फाइनली हमने शेविंग व कटिंग दोनों करा लिया है। अब निकलेंगे घर की ओर, बिकॉज नाइट भी हो चुकी है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।